नमस्कार दोस्तों, डिजिटल इंडिया की तरफ से यहाँ पर एक अपडेट जारी किया गया है जिसमें यहाँ पर बताया जा रहा है कि अब आप यहाँ पर राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि अब आपको ब्लॉक जाने की कोई भी जरूरत नहीं है यहाँ पर राशन कार्ड के लिए, यानी कि न्यू राशन कार्ड बनवाने के लिए आप यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर जो ट्विटर के द्वारा अपडेट दिया गया, यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर पूरा डिटेल के साथ बताया गया है कि आप यहाँ पर राशन कार्ड से जुड़ी यहाँ पर कौन कौन से सर्विसेज के यहाँ पर लाभ ले सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर इस पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार एक नोटिफिकेशन यहाँ पर देख पा रहे कि जारी किया गया है, जो कि यहां पर देख पा रहे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पर नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। यहां पर देखिए बताया जा रहा है कि राशन कार्ड सर्विसेज नाउ थ्रू सीएससी, तो आपको यहां पर जितने भी लाभ मिलने वाले वो यहां पर सीएससी के द्वारा मिलने वाला है। तो यहां पर ये सब सर्विसेज सीएससी को दिए जा रहे हैं, तो ये सब सर्विसेज आपको मिलने वाले हैं। तो सीएससी के द्वारा आप यहां पर क्या-क्या कर पाएंगे राशन कार्ड से जुड़ी जो भी अपडेट होंगे वो यहां पर आपको देख पा रहे कि दिए गए हैं। तो आप यहां पर देखिए सीएससी केंद्र पर जाकर के अपने राशन कार्ड का अपडेट करा सकते हैं, जो भी डिटेल हो, जैसे कि कुछ भी डिटेल आप यहां पर अपडेट कराना चाहे, मोबाइल नंबर कुछ भी यहां पर अपडेट कराना चाहे तो आप यहां पर अपडेट करा सकते हैं, या फिर नाम जुड़वाना चाहे वो भी जुड़वा सकते हैं। ठीक है, दूसरा यहां पर देखिए आधार सीडिंग, तो आधार सीडिंग भी यहां पर बहुत ही अच्छा, यानी कि वन नेशन वन राशन कार्ड के लिए आपको आधार सीडिंग होना जरूरी है। तो आप यहां पर सीएससी केंद्र पर जाकर के किसी भी व्यक्ति का आधार सीडिंग नहीं है तो वो भी आप यहां पर कर सकते हैं। और यहां पर बताया गया कि डुप्लीकेट प्रिंट ऑफ राशन कार्ड, तो आप यहां पर यानी कि राशन कार्ड का एक कॉपी भी आप ले सकते हैं, यानी कि वो आपको एक प्रिंट आउट भी निकाल करके दे सकते हैं राशन कार्ड का, तो वो भी आप यहां पर राशन कार्ड का प्रिंट भी आप ले पाएंगे। यहां पर बताया गया कि चेक स्टेटस ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ राशन, तो यानी कि आप यहां पर जैसे न्यू आवेदन देते हैं तो उनका स्टेटस भी चेक कर पाएंगे, ये भी पता कर पाएंगे कि आपका राशन कौन से डीलर के पास है, तो ये सब भी सर्विसेज आपको इनमें सीएससी के द्वारा देखने को मिलेंगे। उनके बाद बताया गया कि ग्रीवेंस रजिस्ट्रेशन, यानी कि अगर आपको किसी भी प्रकार का यानी कि डीलर से शिकायत है, शिकायत करना चाहते हैं, तो वो भी आप सीएससी केंद्र पर जाकर के शिकायत कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर देखिए बताया गया कि रिक्वेस्ट एप्लीकेशन फॉर अ न्यू राशन कार्ड, तो आप सीएससी केंद्र पर जाकर के न्यू राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि यहां पर ऑनलाइन के माध्यम से किया जाएगा। तो आपको ब्लॉक जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, अब यहां पर सीएससी केंद्र के द्वारा ही आप यहां पर न्यू राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे यहां पर पेपर कटिंग के द्वारा भी मैं आपको दिखा पा रहा, यहां पर भी एक अपडेट आया है जिनमें यहां पर देखिए बताया जा रहा है कि राशन कार्ड बनवाना व बदलना अब आसान। तो अब यहां पर जो है राशन कार्ड से जुड़ी यहां पर जो भी समस्या है उनके यहां पर आसान कर दिया गया, क्योंकि यहां पर ऑनलाइन आवेदन को लेकर के बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, तो यहां पर ऑनलाइन आवेदन अब यहां पर सीएससी के द्वारा आप लोग यहां पर करवा सकते हैं। तो यहां पर देखिए सर्विसेज बताया गया कि क्या-क्या आपको यहां पर सीएससी पर सुविधाएं मिलने वाली है, तो नए राशन कार्ड के लिए आप आवेदन कर पाएंगे, कोई भी जानकारी अपडेट करना चाहे वो भी कर पाएंगे, राशन कार्ड और आधार यहां पर जोड़ भी सकते हैं, यानी कि आधार कार्ड लिंक कर सकते हैं, राशन कार्ड का डुप्लीकेट प्रिंट भी आप यहां पर ले सकते हैं, राशन कार्ड की उपलब्धता की जानकारी भी ले सकते हैं, और शिकायत भी करना चाहे तो वो भी आप यहां पर सीएससी केंद्र पर जाकर के कर सकते हैं। तो ये सब यहां पर जो सर्विसेज यहां पर जारी यानी कि कर दिए गए हैं सीएससी के द्वारा। यहां पर जो खाद्य एवं सार्वजनिक यानी कि वितरण विभाग ने यानी कि सीएससी यानी कि ई गवर्नमेंट सर्विसेज यहां पर जो किया यानी कि गठजोड़, तो ये दोनों मिलकर के यानी कि जो इनका यानी कि समझौता किया गया यानी कि कोलैब किया गया है, तो खाद्य एवं यानी कि सर्विस वितरण के द्वारा, तो ये सभी मिलकर के यहां पर जो इन सर्विसेज को यहां पर चालू करने वाले हैं। तो यहां पर काफी अच्छी बात, यहां पर देश भर यानी कि जनसेवा केंद्रों में राशन कार्ड से संबंधित सेवाएं उपलब्ध यहां पर जो कराई जाएगी। तो इस तरीके से यहां पर जो दिया गया है तो काफी अच्छी अपडेट है। अगर आपको ये अपडेट पसंद है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी यहां पर जैसे ही सीएससी केंद्र के द्वारा यानी कि नए राशन कार्ड के लिए बनवाना शुरू होता है, हम आपको जरूर अपडेट देने की कोशिश करेंगे।